बिलासपुर के गांव साई नोडवा में खेतों में काम करते वक्त जमीन पर गिरी बिजली की तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलस गया। वहीं एम्स अस्पताल बिलासपुर में घायल व्यक्ति का उपचार चल रहा है। घायल व्यक्ति की चाचा ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस थाना बरमाणा में शिकायत दर्ज कराई है। बिलासपुर जिला के गांव साई नोडवा के परिवहन निगम के पूर्व कर्मचारी नेता शंकर सिंह ठाकुर ने कहा कि उनका भतीजा महेंद्र ठाकुर जब अपने परिवार के साथ खेतों में काम कर रहा था तो अचानक ही उनकी जमीन पर खंभे से करंट युक्त गिरी बिजली की तारों की चपेट में आने से वो बुरी तरह से झुलस गया, पर गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों को पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन विभाग के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह ठाकुर की दोनों टांगों में गहरे घाव आ गए हैं। गाँव के लोगों की सहायता से उसे एम्स अस्पताल बिलासपुर के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। महेंद्र जब अपने खेतों में काम करने जा रहा था तो वहां पर पिछले कई दिनों से बिजली के खंभे से टूटी हुई तार उसकी जमीन पर पड़ी थी और वो काम करते करते उसकी चपेट में आ गया और उसका सारा शरीर झुलस गया करंट के कारण, और गांव वालों के सहयोग से उसे एम्स में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। और इस मामले में पुलिस में FIR दर्ज करने के लिए हमने शिकायत की है, जिसमें पुलिस ने धारा 336 और 337 में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस मामले में मेरा ये कहना है कि पिछले कई दिनों से कई लंबे समय में नमोल क्षेत्र में ऐसी अनेक घटनाएं हुई है, लेकिन उनको सुनियोजित तरीके से दबाया गया है और इस कारण से वहां पर जो अधिकारी और कर्मचारी है जो आलसी और निष्क्रिय है, जिनको कई बार बताया गया कि इस बिजली की लाइन को ठीक करें, क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनियोजित तरीके से ढककर वो अपने निजी कार्यों में संलिप्त रहते हैं और जिससे इनको यहां से स्थानांतरित किया जाए और जिससे क्षेत्र के लोगों को भी राहत मिले और जिससे आगामी अगले समय के लिए कभी ऐसी दुर्घटना ना हो। इस संदर्भ में DSP बिलासपुर मदन धीमान ने कहा कि घायल व्यक्ति के परिजनों की शिकायत के आधार पर बिजली विभाग के अधिकारियों व संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसमें एम्स की तरफ से जो है पुलिस चौकी नमोल में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है बिजली की तारों की चपेट में आकर इलाज के लिए यहाँ पर लाया गया है, जिस पर हमारी एक टीम जो है वहाँ पर एम्स में आई थी तो वहाँ पर पाया गया कि एक घायल व्यक्ति है, ये साई का रहने वाला है जो नमोल क्षेत्र में है और इसका नाम जो है महेंद्र सिंह सनोप्रतिराम, ये सचिवालय में चालक के पद पर कार्यरत है और ये प्रातः 9 बजे के आसपास ये अपने खेत में कुछ गोबर या उसमें काम करने के लिए गया था तो जिससे जो है वहाँ पर एक तार पड़ी थी, उस तार को हटाते हटाते ये पूरी तरह से उसमें सुलझ गया, झुलझ गया, जिससे जो है इसको काफ़ी जो चोटें जो है इसके शरीर में जो है तार से झुलसने वाली आई है और जिसका इलाज जो है एम्स में जो है अभी तक उपचाराधीन है ये, और इसके बयान के आधार पर जो है थाना बरमाना में बिजली विभाग के विरुद्ध मुकदमा जो है दर्ज कर लिया है और अभी तक इसकी तफ्तीश की जा रही है।